Yo, what's up people, it's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. और जो आज की ये वीडियो है, मैं आप सभी की डिमांड के ऊपर ये बना रहा हूँ. मुझे काफी सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, कि हमें बेस्ट वे प्रोटीन के बारे में बताएं और आप कौन सा वे प्रोटीन यूज कर रहे हैं. तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बेस्ट वे प्रोटीन कौन सा है और मैं कौन सा वे प्रोटीन यूज करता हूँ, जिससे कि मुझे इतने ज्यादा रिजल्ट मिले हैं. मैंने बहुत ही कम समय में काफी वेट भी गेन किया है, काफी मैंने साइज भी गेन किया है और प्रॉपर मस्कुलैरिटी के साथ मैंने उसको गेन किया है. जो फैट वगैरह होती है वैसा मैंने साइज गेन नहीं किया है, तो उसके पीछे भी जो रीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि कौन सा बेस्ट वे प्रोटीन इस समय मार्केट में अवेलेबल है. तो जो बेस्ट वे प्रोटीन अवेलेबल है वो है फूड. बिल्कुल आपने ठीक सुना, जो आप डेली रूटीन में जो फूड खाते हैं वही बेस्ट वे प्रोटीन है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप मार्केट में जाएं और कोई भी वे प्रोटीन बाय करें, वो 6000 रुपीस का आएगा. तो अगर आप देखें तो डेली कोर्स जो पड़ती है वो 200 रुपीस पड़ती है. तो अगर आप वर्कआउट के बाद 200 रुपए की डाइट खा लें तो आप भी नहीं ये सोच सकते कि आपको कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, जितने कि आपको वो वे प्रोटीन से नहीं मिलेंगे. तो ये बिल्कुल सच्चाई है. मैं कोई यहाँ पर नहीं बैठा कि मैं लंबी वीडियोस बनाऊं और अपना वाई टाइम इंक्रीज करने के लिए वीडियोस बनाऊं. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको रियलिटी बता दी है कि वे प्रोटीन बाय करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप वे प्रोटीन के बारे में ढूंढ रहे हैं, अगर आपको फिर भी वे प्रोटीन ही चाहिए, तो आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों मैंने ये कहा कि आपको वे प्रोटीन बाय करने की जरूरत नहीं है और फिर भी आपको उस वे प्रोटीन से भी ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी. तो मैं शुरू करता हूं अपना जो फर्स्ट पॉइंट, क्यों मैंने कहा. क्योंकि वे प्रोटीन के अंदर वो कुछ भी डालते हैं, हमें नहीं पता कि उसमें क्या होता है. पीछे डिस्क्रिप्शन में जो भी वो लिख दें तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर में वो ही होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले होते हैं इन्होंने, जो हमारे हमें साइड इफेक्ट्स भी देते हैं. और लेकिन जो फूड है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो प्रॉपर नेचुरली होता है. और अगर बहुत सारे लोगों का फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि हम वेजिटेरियन हैं, हम कौन सी डाइट लें अगर वे प्रोटीन नहीं यूज करते, क्योंकि उनके पास एक ही होता है कि हमारे पास हम नॉन वेज नहीं खा सकते, तो हमें प्रोटीन पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन लेना पड़ेगा. जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं. अगर आपको प्रोटीन पूरा करना है डाइट के बाद, वर्कआउट के बाद, तो आप काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे उसमें नंबर वन ब्रोकली आ जाती है, स्प्राउट्स आ जाती है, जो दालें होती हैं उंगली हुई दालें होती हैं उसको स्प्राउट्स बोलते हैं, पनीर हो जाता है, दूध हो जाता है, दही हो जाता है और बीन्स हो जाती है, घर में जो दालें बनती हैं वो हो जाती हैं. तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप डेली वर्कआउट के बाद 200 रुपए के छोटे से पाउडर की बजाय 200 रुपए की डाइट खाएं. पहली बात तो आपसे 200 रुपए की डाइट खाई नहीं जाएगी, ये मेरा चैलेंज है, आप नहीं खा सकोगे. अगर आप फिर भी खा लेते हो, अगर उसको प्रॉपर तरीके से देख कर कि आपने क्या खाया है क्या नहीं, क्योंकि जंक फूड की तरह हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ ये जो मैंने चीजें बताई हैं और भी चीजें अगर आपको नई इंटरनेट से पता लगेगी, आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि आप एज अ वेजिटेरियन और क्या क्या यूज कर सकते हैं. और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास तो काफी ऑप्शन हैं, चिकन हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए. तो अगर आप देखें, अगर आप एक नॉर्मल जो अंडों की एग्स की जो ट्रे होती है 30 एग्स की, वो 100 रुपए की आती है, नॉर्मल 100 रुपए के आसपास ही होती है, ज्यादा या कम होगी. तो आप देखें कि आप वर्कआउट के बाद 60 अंडे खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं ना, तो उसमें कितना ज्यादा प्रोटीन होगा. और आप एक थोड़े से पाउडर में उतना प्रोटीन आपको लगता होगा कि आपके वो बॉडी में उतना प्रोटीन वो कवर हो जाएगा. तो आप ट्राई करके देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने पर आप प्रोटीन ना खरीदे. आपको अगर प्रोटीन बाय करना है बाय कर लें, पहले आप वे प्रोटीन बाय कर रिजल्ट देख लें फर्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ आप डाइट के देख लें. और ये मेरी गारंटी है कि आपको इतने ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे कि आपके 10 प्रोटीन के डब्बे भी उतने आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे. तो मैं जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको क्लियरली बता दिया है. और मैं खुद भी कोई वे प्रोटीन नहीं यूज कर रहा, मैं डाइट के ऊपर ही हूं.
और मैं क्लीन डाइट खा रहा हूँ, जिससे कि मुझे बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मुझे कोई भी सप्लीमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सप्लीमेंट मैं जो यूज कर रहा हूँ, सिर्फ प्री वर्कआउट यूज कर रहा हूँ। आपने जितने बॉडी बिल्डर्स भी देखे होंगे जो सप्लीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर आप उनका जो वीडियोज डालते हैं अ डे विद दैट बॉडी बिल्डर और दिस बॉडी बिल्डर, तो आप देखेंगे कि वो अपनी वीडियोस में ज्यादातर फूड पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं दिखाते। उसका रीजन क्या है कि जब उनको पैसे मिलते हैं वो पैसे लेकर सप्लीमेंट को प्रमोट करते हैं, बस। वो खुद सप्लीमेंट्स को यूज नहीं कर रहे, वो भी डाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। और डाइट ही मेन है कि आप क्या खाते हैं। जैसा आप खाएंगे वैसी आपकी बॉडी बन जाएगी। अगर आप थोड़ा सा पाउडर खाएंगे तो थोड़ी सी बॉडी बनेगी। तो मैंने आपको जो सच्चाई थी बता दी है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपना पैसा वेस्ट करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो सप्लीमेंट्स इतने महंगे महंगे मार्केट में हैं, और उसकी बजाय फिर वो सस्ते सप्लीमेंट ढूंढते हैं। जो सस्ते सप्लीमेंट्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स और भी ज्यादा होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी फिजीक पर कोई भी असर पड़े। जो सच्चाई थी, जो रियलिटी थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। आप प्लीज इसे एक बार ट्राई करें और जो रिजल्ट्स होंगे वो अनबिलीवेबल होंगे, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीज को शेयर करें और इसे ट्राई करें। इसे ट्राई कर यूट्यूब पर अपलोड भी करें कि मुझे ये रिजल्ट्स मिले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई का पता चले और कम पैसों में कैसे बॉडी बनानी है। बहुत सारे लोग वीडियोस भी डालते हैं कम पैसे में कैसे बॉडी बनाई, ये करें वो करें, उनको भी एक मैसेज आएगा कि लोगों को बिना बातें की झूठी बातें बताना बंद करें, जो सच्चाई है वो उनके सामने लाएं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक सब्सक्राइब, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपकी और भी कोई आपका क्वेश्चन है फिटनेस रिलेटेड या किसी और भी रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।